हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू पीवीआर हिस्ट्री। फ्रेंड्स, कल आप लोग को पढ़ाए थे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस। तो आइए आज पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पर उससे पहले बता दें, जो फ्रेंड्स अभी जुड़े हुए हैं वीडियो से, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि नया क्लास आप लोगों को आसानी से प्राप्त हो सके। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टाइप सिस्टम में इसमें क्या है। फर्स्ट टाइप्स में जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। शैल सब्जेक्ट, हैव बीन, फिर विल हैव बीन। शैल हैव बीन और विल हैव बीन, यहां पर विल के बाद सब्जेक्ट, फिर हैव बीन प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या होगी, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में शैल सब्जेक्ट हैव बीन, विल सब्जेक्ट हैव बीन, क्योंकि सब्जेक्ट का प्रयोग जब हमारी हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक शब्दों की होती है, पहले शब्द के तुरंत बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, है ना। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब में कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का। तो आइए देखते हैं एग्जांपल इसमें क्या है। एग्जांपल, मैं उसे 3 बजे से 3 बजे से यह पुस्तक क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा होगी, क्यों पढ़ा रहा होऊंगा। वाक्य, मैं उसे 3 बजे से यह पुस्तक क्यों पढ़ा रहा हूँ गा, समय दिया हुआ है, लास्ट में गा के प्रयोग हुआ है, अर्थात फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, सॉरी क्वेश्चन वर्ड, है ना, क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग, भाई क्यों आया है वाक्य, तो भाई का प्रयोग करेंगे, फिर शैल, आई सब्जेक्ट है तो आई बी के साथ शैल हैव बीन, शेष कर्ताओं के साथ विल हैव बीन, आई, फिर हैव बीन, मेन वर्ब क्या है, टीच, तो इसमें आई एनजी का प्रयोग करेंगे, टीचिंग, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आए हैं, उसे और यह पुस्तक, दोनों क्या है, दो ऑब्जेक्ट है, इंद्रजीव है अर्थात डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, उसे, तो यहाँ पे him, a book, यह बुक है, यहाँ पे this book का प्रयोग करेंगे, this, demonstrative adjective है, this book,
समय क्या दिया 3 बजे से, अर्थात निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम है ना। यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस 3 बजे से, 3 o'clock, 3 o'clock, why shall I have been teaching him this book since 3 o'clock। अगला वाक्य देखते हैं, सोहन बगीचे में पिछले 2 हफ्ते से क्यों टहल रहा होगा। वाई यहाँ पे विल है, बी विल सोहन हैव बीन, वाई विल सोहन हैव बीन, फिर मेन वर्ब क्या है टहलना, वॉकिंग। प्लेस ऑफ एडवर्ब क्या है, इन द क्लास, सॉरी इन द गार्डन, इन द गार्डन, इन द गार्डन बगीचे में पिछले 2 हफ्ते से, कह रहा लास्ट या पास्ट के बाद मंथ वीक ईयर का प्रयोग होता है, तो समय कैसा होता है निश्चित होता है, अर्थात यहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस लास्ट 2 weeks, लास्ट 2 weeks पिछले 2 हफ्ते से, करा वाई विल सोहन हैव बीन वॉकिंग इन द गार्डन सिंस लास्ट 2 weeks। अब देखते हैं जब वाक्य क्या से शुरू होता है, जब वाक्य क्या से शुरू हो, जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड को हटा देते हैं, सेम वही फार्मूला रखते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, ये नियम हो गया, हेल्पिंग वर्ब शैल सब्जेक्ट हैव बीन विल सब्जेक्ट हैव बीन, मेन वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल क्या तुम 2 दिन से, 2 दिन से विद्यालय जा रहे होंगे, जा रहे होंगे, क्या कर रहा है, क्या तुम 2 दिन से विद्यालय जा रहे होंगे। तो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करेंगे, विल यू हैव
been. Will you have been? Main verb क्या है? ओ यहाँ पे ing का प्रयोग करेंगे. Going to school. Going to school. विद्यालय जा रहे होंगे. समय क्या दिया है? दो दिन से. अर्थात दो दिन क्या होता है? अनिश्चित होता है. तो यहाँ पे far का प्रयोग करेंगे. Far to age. Far to age. दो दिनों से. अगला वाक्य देखते हैं. क्या मैं पिछले दो हफ्ते से उसे पढ़ा रहा होऊंगा? क्या कह रहा है? क्या मैं पिछले दो हफ्ते से उसे पढ़ा रहा हूंगा? जब लास्ट या पास्ट के बाद, लास्ट या पास्ट के बाद वीक मंथ या ईयर आता है तो समय कैसा होता है? निश्चित होता है. जब लास्ट या पास्ट के बाद वीक मंथ ईयर आए तो समय निश्चित होता है. परंतु लास्ट या पास्ट के बाद यदि संख्या आ जाए, जैसे लास्ट थ्री मंथ्स, लास्ट टू मंथ्स, लास्ट टू वीक्स, जैसे इसके जस्ट बैक प्रीवियस वाक्य में आया था टू वीक्स और वहां हमने सिंस का प्रयोग किया था, थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी, है ना? तो यहाँ वहां पे क्या होना चाहिए था? फार. जैसे कि यहाँ पे हुआ पिछले दो हफ्ते से, यहाँ पे फार का प्रयोग करेंगे, है ना? लास्ट या पास्ट के बाद, लास्ट या पास्ट के बाद यदि कोई संख्या आए उसके बाद वीक मंथ ईयर, है ना, कोई संख्या प्लस वीक मंथ ईयर आता है तो हम फार का प्रयोग करते हैं. देखते हैं वाक्य. सेल आई हैव बीन पढ़ाना टीचिंग. हिम समय क्या दिया है? पिछले दो हफ्ते से. यही पिछले हफ्ते से होता तो सिंस का प्रयोग करते, परंतु यहाँ क्या है? पिछले दो हफ्ते से. यहाँ संख्या है ना, लास्ट के बाद संख्या है टू, उसके बाद क्या है? वीक. तो यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे? हार का प्रयोग करेंगे. हार लास्ट टू वीक्स. हार लास्ट टू वीक्स. Shall I have been teaching him for last 2 weeks? पिछले दो हफ्ते से. Last 2 weeks. Shall I have been teaching him for last 2 weeks? अब देखते हैं interrogative negative sentence. Negative sentence.
ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, पिछले वाक्य में एक गलती हुई थी लास्ट या पास्ट के बाद। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस में एक बार इसको लिखाया जा चुका है, लास्ट या पास्ट के बाद वीक मंथ या ईयर का प्रयोग होता है तो क्या होता है, निश्चित समय होता है। लास्ट पास्ट के बाद एनी नंबर फिर वीक मंथ या ईयर आए तो क्या होता है, निश्चित होता है। देखिए यहां पे सिंस का प्रयोग और यहां पे क्या होता है, फार का प्रयोग। लास्ट पास्ट के बाद वीक मंथ ईयर आए तो सिंस का प्रयोग निश्चित होता है, लास्ट पास्ट के बाद ए नंबर के साथ वीक मंथ ईयर आता है तो क्या होता है, अनिश्चित होता है, अर्थात फार का प्रयोग करते हैं। जैसे लास्ट टू मंथ्स या ईयर या वीक्स, ये क्या है, अनिश्चित समय, इनके साथ हमें फार का प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखते हैं, देखिए क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब शैल सब्जेक्ट फिर नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के जस्ट बाद करते हैं, हैव बीन विल सब्जेक्ट नॉट हैव बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब में शैल सब्जेक्ट नॉट हैव बीन विल सब्जेक्ट नॉट हैव बीन मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर फिर टाइम का प्रयोग करते हैं। तो आइए वाक्य देखते हैं, एग्जांपल है हम बगीचे में 2 घंटे से क्या दो घंटे से फूल क्यों नहीं तोड़ रहे होंगे, हम बगीचे में 2 घंटे से फूल क्यों नहीं तोड़ रहे होंगे। तो यहाँ पे हम फाई का प्रयोग करेंगे,
सैल, सैल के बाद सब्जेक्ट क्या है वी, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट हैव, फिर बीन, फिर तोड़ना क्या है हम, मेन वर्ब है प्लक, पल्किंग फूल फ्लावर्स द फ्लावर्स, फ्लावर्स अब समय के टाइम दिया है, प्लेस ऑफ एडवर्ब दिया पहले, तो लिखते हैं प्लेस ऑफ एडवर्ब इन द गार्डन, गार्डन समय क्या दो घंटे से अर्थात अनिश्चित समय, घंटा क्या होता है अनिश्चित समय होता है, तो यहां पे हम लिखेंगे फॉर टू आवर्स, फॉर टू आवर्स, वाई सेल वी नॉट हैव बीन पल्किंग द फ्लावर्स इन द गार्डन फॉर टू आवर्स। अगला वाक्य देखते हैं, वह रसोई में, रसोई में भोजन, वह रसोई में भोजन दो बजे से क्यों नहीं पका रही होगी, पका रही होगी, कह रहा है वह रसोई में भोजन दो बजे से क्यों नहीं पका रही होगी, व्हाई, सबसे पहले हम व्हाई का प्रयोग करेंगे, फिर विल, विल के बाद क्या प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या सी, नॉट हैव बीन, फिर मेन वर्ब क्या पकाना कुकिंग, कुकिंग द फूड, कुकिंग द फूड, फिर समय क्या है, समय से पहले यहां प्लेस ऑफ एडवर्ब दिया है इन द किचन, इन द किचन, समय क्या है दो बजे से, तो यहां पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस टू ओ क्लॉक, आई विल, वाक्य में क्यों क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हुआ है इसलिए हम कौन सा क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे व्हाई, व्हाई, व्हाई के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है विल, विल सी नॉट हैव बीन कुकिंग द फूड इन द किचन सिंस टू ओ क्लॉक। तो आइए देखते हैं जब हमारा वाक्य क्या से शुरू होता है, जब हमारा वाक्य कैसे शुरू होता है तो क्वेश्चन वर्ड सबसे, हेल्पिंग वर्ड सबसे पहले लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ड सैल सब्जेक्ट नॉट हैव बीन विल सब्जेक्ट नॉट, नॉट हैव बीन मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस फॉर, सिंस फॉर प्लस टाइम है ना, द
एग्जाम्पल देखते हैं क्या। वह किसान, क्या वह किसान पिछले महीने से अपने खेत में कार्य नहीं कर रहा होगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, विल। सब्जेक्ट क्या है, ही, सॉरी किसान है ना, तो यहाँ पे हम दैट का प्रयोग करेंगे। दैट क्या एडजेक्टिव है, फिर फार्मर, विल दैट फार्मर, विल दैट फार्मर नॉट हैव बीन वर्किंग इन हिज फील्ड, इन हिज फील्ड। समय क्या दे रहा है, पिछले महीने से, तो यहां महीना क्या है, निश्चित समय, जस्ट पिछला महीना जो अभी बीता हुआ है, तो यहां पे सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस लास्ट मंथ, लास्ट मंथ, पिछले महीने से। कह रहा है विल दैट फार्मर नॉट हैव बीन वर्किंग इन हिज फील्ड सिंस लास्ट मंथ। तो फ्रेंड्स यहीं पर ये टेंस समाप्त हुआ। अब कल से आप लोग लाइव क्लास चलेगी 6 से 7, और लाइव क्लास में आप लोग पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव।